वेलकम है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। तो कहते हैं आप, तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में, जो कि अक्सर लोग इसको फेस करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम लोगों के सामने आ रही है। तो आप क्या करते हैं, किसी भी ब्राउज़र या क्रोम पे किसी भी ऐप भी जाते हो, तो आप कुछ कोई भी साइट या कोई भी लिंक आप शेयर मतलब सर्च करते हो, तो आपको कुछ ऐसा लिख के आ जा रहा है, ठीक है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, मतलब ये वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस पर ये प्रॉब्लम सॉल्व बहुत ज़्यादा कैसे करनी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पूरा टॉपिक, जो भी प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, ये सब आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आपको बता दें ये प्रॉब्लम कब और कब आप फेस करते हो। तो सबसे पहले आपको चेक करना है अपनी नेटवर्क के इशू में ये बहुत ज़्यादा, अगर नेटवर्क इशू होगा तो आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस अभी दिखा रहा है, वहाँ पे नेटवर्क इशू दिखा देगा आपका, ठीक है, नेटवर्क इशू आपका दिखा देगा। तो आपको वहाँ पे अपना नेटवर्क फ्लाइट मोड लगा के चेक कर लेना है, नंबर एक ट्रिक आपको अपना। दूसरा आपको क्या करना है, सीधे आपको क्या करना है, अपना क्रोम ओपन करना है। क्रोम पे ऐसी दिक्कत आएगी जैसे ये लिखा है, ये जब भी आप क्रोम पे कुछ भी सर्च करोगे तो आपको इस कुछ ऐसी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत आए क्या होता है, कभी कभी कुछ साइटें हमारी चल जाती हैं, कुछ साइट वगैरह नहीं चलती, क्योंकि ये क्या होता है, थर्ड पार्टी जो साइटें वगैरह होती हैं तो उनको आप दिक्कत आती है, जो जेन्युइन साइट होगी तो वो अक्सर सर्च में आ जाती हैं। तो ये कुछ सेटिंग भी होती है जो कि ये सेफ्टी के लिए हमारी जो फ़ोन में दी होती हैं, जो कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो, कुछ भी वगैरह ना हो। तो चलिए आपको बताते हैं, बिल्कुल भी ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो आपको पूरी जानकारी दूंगा, जेन्युइन 100% वर्क करेगी, ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो पहली बात 100% हो जाएगी, नहीं होती है, इनकेस कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको मेरे कमेंट में कर देना, आपको उसका सलूशन मैं दे दूंगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसको कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रोम को ओपन करना है। क्रोम पे ऐसी दिक्कत जब आएगी तो आप सीधे कुछ नहीं करना, क्रोम पे ऐसे प्रॉब्लम आए लिखने के बाद आपको सीधे यहाँ पे सर्च करना है, थ्री डॉट कोने में थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। क्या है, थ्री डॉट पे क्लिक करने का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। मेरा क्रोम जो है अपडेट करने को पड़ा है, मैंने अभी अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो दूसरी बात, आपको अगर ऐसी दिक्कत आ रही तो आपको क्रोम अपना जो भी ऐप पे आप सर्च कर रहे हो उसको आप अच्छी तरह से अपडेट कर लें, ठीक है, अपडेटेड होना चाहिए वर्जन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऐसे अपडेट नहीं होना, अगर कभी क्या होता है जब नया मतलब अपडेट आता है तो दिक्कत आती है, ज़्यादा पुराना अपडेट हो जाएगा तभी ये दिक्कत आ सकती है। तो चलिए आपको बताते हूँ कि सेटिंग आपको क्या क्या करना होता है जो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपको सीधे अपनी सेटिंग पे जाना है, नीचे सबसे मिल जाएगी आपको सेटिंग, सेटिंग में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस दिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको नीचे चले जाना है। नीचे चले जाने के बाद आपको दिख रहा है साइट सेटिंग, साइट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कर देने के बाद आपको इस कुछ ऐसी दिखाएगा, ठीक है। आपको कैमरा कुछ साइटें होती हैं कैमरा लोकेशन ये परमिशन मांगती हैं, क्योंकि मैं अभी ऐसी कोई साइट अभी यूज नहीं कर रहा, मेरा तो प्रॉपरली सब सर्च हो रहा है। तो आपको ये मैं ब्लॉक कर रखा हूँ, कुछ परमिशनें होती हैं, तो आप इसको एक बार परमिशन दे के देख लेना, सर्च में आ जाएगा, तो ठीक है। मेंशन सेंसर 100% अलाउ होना चाहिए, यानी एफसी डिवाइस आस्क में, ठीक है, ऑन ही होना, विजुअल एंड ब्रो ये सब होना चाहिए, थर्ड पार्टी ये सब होना चाहिए, थर्ड पार्टी कुकीज अलाउ आल पे होना चाहिए, ये सबसे दिक्कत वाली बात है। ये अगर ये आपका ब्लॉक है ना तो आपकी कोई भी साइट नहीं चलेगी, थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी साइट नहीं चलने वाली है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दूसरा आया पॉपअप एड्स, ये आपको ऑफ करना है, ये सब एड का दिक्कत है, इस पर पॉपअप आएंगे एड जो आते हैं साइट पे, इसका कोई सेटिंग है नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड पार्टी अलाउड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ऐसा चला सकते हो कोई भी साइट को। ये मेन सेटिंग है थर्ड पार्टी, ठीक है, ये अलाउ होना चाहिए, थर्ड पार्टी साइन इन, ठीक है। तो ये सब आपको देख लेना है सेटिंग, थर्ड पार्टी कुकीज अलाउ ये कंटेंट, ये मेन इसका फंदा है। अगर ये आपका ऑफ रहेगा तो आपका कोई भी साइट दिक्कत ऐसी आएगी, तो आपको इसको ऑन कर लेना है, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपको फिर भी नहीं होता तो आपको सीधे क्या करना है, अपने क्रोम पे क्रोम ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे इस काट देना है, क्रोम पे क्लिक करना, क्रोम पे ऐसे उंगली रखना है, उंगली रखने के बाद सीधे ऐसे
ये अभी यहाँ पे इन्फो का नहीं है, कोने में ये इस पर क्लिक करेंगे, अबाउट क्रोम पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रोम का ये ब्लॉकड है ये ऑन कर देना है, और दूसरा आपका मोबाइल डाटा बैटरी स्टोरेज है, स्टोरेज पे क्लिक करना है, स्टोरेज पे कैचे कैचे 788 दिखा रहा है मेरा, इसको क्लियर कर देना है। ठीक है, नीचे देख रहे हो क्लियर कैचे और क्लियर डाटा, ये दोनों का आप क्लियर कर दोगे तब भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपकी इतने में आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें लगता है मैं जेन्युइन कंटेंट रखता हूँ, तुमको हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपका मर्जी है, मेरा फोर्स नहीं है। अगर आप यहाँ रहोगे तो जेन्युइन कंटेंट आपको मिलेगा, आपको निराशा कभी नहीं होगी इस चैनल से, तो आपको जाके इंजॉय कीजिए। और अगर आपको कोई और दिक्कत आती है उसको आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।